यमलार्जुन के उद्धार से एक संदेश आता है कि भगवान के शरीर से एक बंधी थी रस्सी पेट से, और रस्सी से जुड़ा हुआ था एक उखल, समझे, उस उखल से टकराया एक वृक्ष, दो वृक्ष, तो उस वृक्ष का भी उद्धार हो गया। अब बात समझाते हैं आपको, उखल मतलब क्या होता है, खल महाराज, खल मतलब क्या होता है, खल मतलब, अरे बोलो ना, खल मतलब क्या होता है, अरे खाली वही समझता, दूसरा भी तो समझाओ। हाँ, खल मतलब होता है, संत ने बड़ी अच्छी बात कही, जो खल में दो अक्षर है ख और ल, जो खाए और लड़े उसको कहते हैं खल, है ना, खाए और लड़े दूसरा कोई काम ही ना करे उसको कहते हैं खल। और हाँ, एक संत ने तो ये भी कहा कि जिसकी खाए उसी से लड़े उसको कहते हैं असली खल, समझ गए। तो ऐसे खल, तो भगवान से साक्षात जुड़ी थी रस्सी, उससे जुड़ा हुआ था एक खल, उस खल से भी टकराया जो वृक्ष, उस वृक्ष का भी उद्धार हो गया। इसका मतलब है भगवान से जुड़े हो जो व्यक्ति, चाहे वो संत हो, चाहे वो भक्त हो, गृहस्थ हो, कोई भी, यदि भगवान से जुड़ गया, उस व्यक्ति से कोई खल भी जुड़ा हुआ है ना, आप चिंता ना करो, उससे भी यदि आप टकराओगे तो भी तुम्हारा कल्याण ही होने वाला है। तार जुड़ना चाहिए, मेरा तार हरि दे नाल जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि दे नाल जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन की विपदा हर ले, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि दे नाल जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ओ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, साटा नाल हरि दे नाल जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, साटा तार हरि दे नाल जोड़े।